हिंदी सिनेमा के इतिहास में जहां टाइपकास्ट कहलाना कलंक के बराबर समझा जाता है, वहीं कुछ अपवाद थे जिन्होंने खुद को अपनी खुशी से टाइपकास्ट कहलाया। यहां तक कि ऋषि कपूर को भी लगता था कि एक कलाकार का टाइपकास्ट बनना गलत है। पर मैं अनामिका हमारे इस चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर आई हूँ, कहानी लेकर उस टाइपकास्ट एक्टर की जिसने लगातार समान किरदार निभाकर 3 दशक तक राज किया। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है जगदीश राज खुराना जी की, जिन्होंने लंबे समय तक पुलिस अफसर के किरदार निभाए और दर्शकों के दिलों में अजरामर जगह बनाई। जगदीश राज खुराना जी का जन्म 1928 को ब्रिटिश कालीन पंजाब के सरगोधा में हुआ था। जगदीश उन कलाकारों की सूची में से थे जिन्हें इंडस्ट्री में साइड एक्टर के नाम से जाना जाता है, पर अपने अद्भुत एक्टिंग के हुनर ने उन्हें स्टार कलाकार बना दिया। 1950 के दशक में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए थे। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद भी उन्हें वो मुकाम नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें चाहत थी। 1955 के साल में देवानंद की CID नामक फिल्म में काम कर रहे थे। इसी फिल्म में जगदीश जी ने सबसे पहले पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई और योगा योग से इस फिल्म में भी उनका नाम जगदीश ही था। इस फिल्म के बाद उनकी किस्मत खुल गई और लगातार पुलिस के किरदार उन्हें मिलने लगे। पर ऐसा नहीं था कि उन्हें सिर्फ यही किरदार मिलते थे। 1955 की सीमा, 1961 की प्यार का सागर, 1976 की दो अनजाने, इन 3 फिल्मों में वो डॉक्टर की भूमिका में थे। 1959 की धूल का फूल और 1993 की इंसानियत के देवता जैसी फिल्मों में जगदीश राज जज की भूमिका में थे। अपने जीवन में 150 से भी अधिक फिल्मों में काम कर चुके जगदीश राज को कभी किसी मैगजीन या न्यूज रिपोर्टर्स ने अपने आर्टिकल का हिस्सा नहीं समझा। यहाँ तक किसी ने उनका इंटरव्यू भी नहीं लिया। सही मायनों में जगदीश राज तब लाइमलाइट में आए जब गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हुआ। बेटी अनीता राज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जगदीश जी ने पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी भी सिलवा के रखी थी और घर में उस वर्दी की देखभाल भी होती थी। वो हमेशा अपनी खुद की वर्दी लेकर ही सेट पर पहुंचा करते थे। हम दोनों, गैम्बलर, जॉनी मेरा नाम, काला बाजार, ड्रीम गर्ल और दीवार जैसी फिल्मों में जगदीश राज ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। देवानंद से लेकर अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के साथ उन्होंने काम किया था। हालांकि बाद में 80 और 90 के दशक से उनकी फिल्मों में सक्रियता कम होने लगी और उनकी बेटी अनीता राज ने फिल्मों में काम करना शुरू किया। हॉलीवुड के एक कास्टिंग डायरेक्टर को उनके बारे में पता चला तो वो जानने के लिए काफी उत्सुक हुए। फिल्मों में एक तरह के खास किरदार को निभाने वाले जगदीश के बारे में जानकर वो हैरान रह गए। फिर लंबी लिस्ट देखकर गिनीस बुक की टीम को जांच के लिए मुंबई, जो उस समय का बंबई हुआ करता था, वहां बुलाया। इस तरह फिल्मी पुलिस निरीक्षक का किरदार निभाने का रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगदीश राज का नाम दर्ज हो गया। जगदीश खुराना के बारे में एक किस्सा काफी दिलचस्प है। जब फिल्म लोहा और नाइंसाफी में उन्हें पुलिस कमिश्नर का किरदार निभाने को मिला तो उन्होंने बड़े ही रोचक अंदाज में जवाब दिया। वो बोले, चलो मेरा प्रमोशन तो हुआ। फिल्म जगत में इतनी दूरी तय करने के बाद 1992 में उन्होंने संन्यास लिया। फिर 28 जुलाई 2013 को उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके देहांत के बाद दर्शकों के बीच शोक का वातावरण था, क्योंकि इंस्पेक्टर के किरदार करते करते उन्होंने सबके बीच अपनी अलग छाप छोड़ी थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।